नमस्कार दोस्तों, ई मित्र हेल्प वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है किस तरह से हम भामाशाह जो हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था उसके स्टेटस, उसकी जानकारी ऑनलाइन घर बैठे प्राप्त करना। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भामाशाह का स्टेटस ऑनलाइन घर बैठे प्राप्त करना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन, राजस्थान SSO पोर्टल ओपन करना है। राजस्थान SSO पोर्टल ओपन करके आपकी SSO ID, पासवर्ड और कैप्शन कोड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आप SSO में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा भामाशाह योजना ऐप। इस ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना है और आप भामाशाह के ऑफिशियल पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप भामाशाह के इस पोर्टल पर पहुँचते हैं, आपको यहाँ तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, एनरोलमेंट, DVD मैपिंग, भामाशाह पेमेंट सर्विस। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है एनरोलमेंट, इस एनरोलमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है फैमिली स्टेटस, सिटीजन एड मेंबर, ई कार्ड सिटीजन और भामाशाह एडिटिंग। तो दोस्तों, आपको उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो भामाशाह स्टेटस है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपका भामाशाह स्टेटस या दिखाई या भामाशाह रसीद संख्या दिखाई देगी। इसके आगे आपको देखो यहाँ लिखा हुआ रहा खोजिए, आपको सीधे इस खोजिए बटन पे क्लिक करना है। तो आप जो भामाशाह नंबर ये दिखाई दे रहे हैं उसकी संबंधित जानकारी ये खोज के हमें दिखाएगा। जैसे ही आप उस पोर्टल पर पहुँचते, भामाशाह स्टेटस आ रहा है, भामाशाह रसीद संख्या आ रही है, फिर भामाशाह नंबर आ रहा है अगर आपके जारी हो गए, फिर भामाशाह रसीद संख्या आ रही है, फिर दस्तावेज हमने जो अपलोड किए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उसके नीचे दिखा नामांकन तिथि, किस दिन हमने भामाशाह के लिए अप्लाई किया था वो दिखाई दे रहा है, फिर NFS नहीं। अगर आप खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित हैं तो यहाँ स्टेटस बताएगा कि हाँ, अगर नहीं है तो नहीं बताएगा। उसके बाद आपके परिवार के सदस्यों का विवरण बता रहा है, कितने सदस्य आपके परिवार में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, यहाँ नीचे पूरे परिवार से संबंधित जानकारी दिखाई दी, जितने भी सदस्य हैं उसकी जन्म तारीख, पिता का नाम, माता का नाम, विवाहित स्थिति, कब उसका नाम हमारे भामाशाह में जोड़ा गया। फिर नीचे भामांकन नामांकन से सत्यापन की प्रक्रिया है, भामाशाह रसीद संख्या का, परिवार कार्ड स्थिति जारी हुआ है कि नहीं, भामाशाह रसीद संख्या, व्यक्तिगत कार्ड, इस सब की संबंधित जानकारी यहाँ पे नीचे जब आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो दिखाई देगी। तो मैं प्लस बटन पे क्लिक करके आपको दोस्तों बता रहा हूँ। जैसे ही हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह सब ओपन हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट में दिखा भामाशाह ID अनुलिपिकरण सफल तो हो गया, मतलब जो हमने करेक्शन किया था वो हो गया। इस नीचे भी इसी तरह से कुछ स्टेटस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये था भामाशाह का स्टेटस ऑनलाइन प्राप्त करना। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कैसा लगा इसके बारे में कमेंट भी जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं जल्दी लेके आऊंगा एक और वीडियो, भामाशाह में घर बैठे ऑनलाइन नया सदस्य जोड़ना बिना ई मित्र बजाय, घर बैठे आप किस तरह से जोड़ते हैं। यही नहीं दोस्तों, मैं भामाशाह से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ जो घर बैठे आप इस भामाशाह सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप इसी तरह के और वीडियो देख लेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो का आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिखाई दे रहे बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलिए, जिससे मिल सके आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलते एक भामाशाह के नए वीडियो।